उत्तर प्रदेश, जहां बाबा योगी की सरकार में पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। कार्रवाई के डर से अपराधी जनपद छोड़कर भागे फिर रहे हैं, तो कहीं बाबा योगी का बुलडोजर अपराधियों के ऊपर गरज रहा है। लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो पुलिस के इकबाल को चुनौती दे रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में अपराधी अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, जिसके लिए बाकायदा अपराधी सोशल मीडिया पर लाइव आकर दूसरे अपराधियों को मारने की धमकी दे रहे हैं, जिनके हाथों में हथियार भी देखा जा रहा है। मेरे बच्चे आजा, मैं इन्हें बेटे आजा, क्या कर दे अक्सर गोली चलाते हुए, आजा आजा ये खड़े आजा मेरे बच्चे। दरअसल पश्चिमी यूपी में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए अपराधी सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। जो अपराधी घटना को अंजाम देने से पहले सोशल मीडिया पर लाइव करते हैं, जिस पर ग्रुप से जुड़े लोग कमेंट और लाइक भी करते हैं। हाल ही में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में बाबू बक्सर नाम के बदमाश को मारने के लिए अतुल भाटी गैंग गाँव में पहुँचा, जहाँ ताबड़तोड़ फायरिंग की। बेखौफ अपराधियों के हौसले का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस घटना का वीडियो इन बेखौफ अपराधियों द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। मेरे बच्चे आजा, मैं इन्हें बेटे आजा, क्या कर दे अक्सर गोली चलाते हुए, आजा आजा ये खड़े आजा मेरे बच्चे। बता दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मेरठ पुलिस सबसे पहले बाबू बक्सर की तलाश में जुट गई और बाबू बक्सर की हत्या करने पहुंची अतुल भाटी गैंग को भी ट्रेस करने में लगी हुई है। वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है कि यह घटना पुलिस के लिए एक चैलेंज है और घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों की तलाश की जा रही है और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। ये इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संज्ञान में आया है, इसकी जांच की गई है। जांच में ये पाया गया कि कुछ अपराधी तत्व हैं जो जिनके पास अवैध असलहे हैं और ये वहाँ पर थाना भवानपुर के बक्सर गांव में 26/27 की रात्रि में जाकर के इन्होंने एक बाबू नाम के व्यक्ति को गाली देते हुए वहाँ पे अफरा तफरी की गई है और इस वीडियो की जांच के आधार पर थाना भवानपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इनकी पहचान करके इनकी गिरफ्तारी कराई जा रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस के इकबाल को चुनौती देने वाले इन अपराधियों पर पुलिस कब तक कार्रवाई करती है। साथ ही सवाल ये भी है कि क्या पुलिस का खौफ अपराधियों में खत्म हो चुका है, जिसके चलते इतनी बेबाकी के साथ अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम देते भी हैं और सोशल मीडिया पर जाकर इन वारदातों को अंजाम देने का वीडियो भी डाल रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।